देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि देश में 2017 से सितंबर 2021 तक कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया और कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि भारतीय नागरिकता त्यागने का पूरा प्रक्रिया क्या है और किस कानून के तहत हम अपनी नागरिकता त्याग कर सकते हैं और हमें नागरिकता कैसे मिलती है। दरअसल नागरिकता कानून के तहत भारत का नागरिक होने की कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं। इस कानून में नागरिकता के आधार पर शर्तें तय की गई हैं। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और भूमि का अर्जन भी शामिल है। भारतीय नागरिकता और इससे जुड़े हुए कानून केंद्र सूची के विषय हैं, यानी इस पर कानून बनाने का हक केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी सन 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। हालांकि इस कानून में बाद में समय समय पर कुछ परिवर्तन भी हुए। यह कानून दो अवधारणाओं का पालन करता है। पहला जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार और दूसरी अवधारणा थी वंश द्वारा नागरिकता का अधिकार, यानी माता पिता की नागरिकता। कोई भी यदि आपका भारत में जन्म हुआ है तो आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी, जबकि दूसरे में जन्म की जगह परवाह किए बगैर माता पिता की भारतीय नागरिकता होने पर आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। हालांकि इसमें पहले कुछ खामियां थीं जिसे समय समय पर परिवर्तन किया गया। सन 1950 के इस कानून में जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया था। इसमें कहा गया कि अगर 26 जनवरी सन 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें मुश्किल ये हो गई कि माता पिता के बारे में कोई सटीक नियम नहीं थे। इसके बाद इस कानून में सन 1986 में एक बदलाव हुआ, जिसमें 26 जनवरी सन 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता पाने का अधिकारी तब होगा जब उसके माता या पिता किसी एक के पास भारतीय नागरिकता होगी। फिर सन 2003 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इसके अनुसार 26 जनवरी सन 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। प्रवास के सारे कानूनी दस्तावेज उसके पास होने चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद धारा 5 में पंजीकरण के जरिए नागरिकता लेने का अधिकार है, जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय महिला के साथ विवाह करता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसी कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल की। इसके बाद इस कानून की धारा 6 उन लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है जिन लोगों का देश कोई रक्त संबंध या फिर विवाह संबंध नहीं होता है। इस कानून के तहत आवेदक को पहले भारत में 12 महीनों तक लगातार रहना होता है। इसके बाद भारत में प्रवासी के तौर पर 14 वर्ष रहना होता है, जिसमें से 11 वर्ष देश में रहना अनिवार्य होता है। लेकिन सन 2019 के संशोधन में यह अवधि घटाकर 11 से 5 वर्ष कर दी गई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी गायक अदनान सामी भी और दलाई लामा को भी इसी कानून के अंतर्गत नागरिकता दी गई है। अब बात करते हैं नागरिकता त्यागने का कानून क्या कहता है। आपको बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जबकि दूसरा नियम है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता त्यागता है तो कानून उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो कानूनन उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जबकि इस कानून का तीसरा नियम कहता है कि जब कोई नागरिक लगातार 7 वर्षों से देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर सकती है। भारत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा संविधान का अनादर करने,
अवैध तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करने, देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त कर सकती है। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि सन 2015 से सन 2019 के बीच 6,70,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया है। हाल में संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। इसी तरह वर्ष 2018 में 1,34,561 ने, वर्ष 2019 में 1,44,017 ने, वर्ष 2020 में 85,248 ने और 30 सितंबर 2021 तक 1,11,287 ने देश की नागरिकता छोड़ी। बीते 5 सालों में 10,645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। इनमें से 4,177 को यह प्रदान की गई। नागरिकता पाने का आवेदन करने वालों में 227 अमेरिका के, 7,782 पाकिस्तान के, 795 अफगानिस्तान के और 184 बांग्लादेश के। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2016 में 1,106 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। वहीं 2017 में 817 को, 2018 में 628 को, 2019 में 987 को और 2020 में 639 को देश की नागरिकता दी गई। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार 1,33,83,718 भारतीय लोग विदेश में रह रहे हैं। तो आपका इस जानकारी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।